भैया के मंदिर में आने का, यात्रा देने का। हेलो प्रणाम और पहला आप सबको मेरा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी सुबह के 9:30 बजे से, और आज मैं जाने वाली हूँ मान्या देवी मंदिर। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं अल्मोड़ा आई थी, और वो ब्लॉग मैंने परसों बनाया था। मतलब अभी दो दिन से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया यहाँ पे, क्योंकि तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब हो रही थी तो इस वजह से। और मैं ना साड़ी लेके आई थी यहाँ पे, क्योंकि हमें कहीं जाना था लेकिन फिर नहीं जा पाए, तो इस वजह से साड़ी मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ। कभी कभी तो मौका मिलता है साड़ी पहनने का, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज साड़ी पहन के ही जाते हैं बानेरी देवी मंदिर और दर्शन करके आते हैं वहाँ के, और आपको भी मैं अपने साथ वहाँ के दर्शन कराऊंगी। मतलब बानेरी देवी मंदिर जाए हुए ना काफ़ी टाइम हो गया, मुझे याद भी नहीं अभी ठीक से, काफ़ी टाइम पहले गए थे। तो आज शादी के बाद तो पहली बार जा रही हूँ मैं, तो अभी मैंने सोचा साड़ी वाड़ी पहन के जाते हैं मस्त। अभी अच्छे से पहनी नहीं है मैंने, बस नीचे से मतलब प्लीट्स वगैरह डाल दी है, बाकी पल्लू वगैरह अभी रहता है। अभी निशु गई है स्कूटी में तेल डालने के लिए, उसके बाद फिर निशु और मैं मस्त चलेंगे बानेरी देवी मंदिर, और आपको भी दर्शन कराऊंगी। पहले फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, वरना वो तो तैयार होकर गई है शायद से, और उसका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आज ज़्यादा टाइम मेरा लगेगा क्योंकि मेरे को साड़ी पहननी है। तो फटाफट से पहले रेडी हो जाती हूँ अच्छे से, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, निशु से भी मिलाती हूँ, तब तक वो आ जाएगी मतलब तेल वेल भरा के स्कूटी में, उसके बाद फिर चलते हैं बानेरी देवी मंदिर। तो चलो जी चलते हैं, और फटाफट से मैं पहले रेडी हो जाती हूँ। हो चुकी हूँ रेडी, मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैंने खुद से साड़ी पहन रखी, इतनी बढ़िया सी, देखो पास आके दिखाना। आजकल मैं थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ गाइस साड़ी पहनना, देखो कितनी बढ़िया साड़ी पहन रखी है, और ये है आजकल। हाँ हाँ यार ध्यान दूंगी, साड़ी पहनने का शौक तो है पर संभालना बहुत टफ हो जाता है, पर फिर भी ये देखो किस संभाल रही हूँ। बाय बाय। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं रोड में, और साड़ी में ना मैं पीछे से तो नहीं बैठ सकती क्योंकि बहुत फिसल रही है साड़ी, तो इस वजह से स्कूटी चलाऊंगी मैं, और निश्चित बैठेगी मेरे पीछे से। गाइस हम लोग निकल चुके हैं बानेरी देवी मंदिर के लिए, और अभी स्कूटी चला रही हूँ मैं, और साड़ी में ना बड़ा ही अनकम्फर्टेबल सा हो जाता है, बहुत चलानी है मैडम को, क्योंकि पीछे से बैठूंगी तो मैं फिसल जाऊंगी ना यार, क्योंकि मेरे को संभाल पाएगी। बैलगाड़ी चला रही है ऐसे मत चला करके, तो अभी मेरे को थोड़ा काफ़ी टाइम बाद स्कूटी पकड़ रही ना, तो स्पीड मेरी 25-30 के आसपास पहुंच गई है, इससे ज़्यादा मैं नहीं चला सकती अभी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद चला रही ना। एक मिनी वीडियो बना लेते हैं फिर ऐसे ही। अच्छा तो अभी ना ये वाली रोड में ना काफ़ी अच्छा रमगढ़ा अली रोड, और अली रोड में, और बहुत सुंदर मंदिर है, अभी दिखाएंगे, और इसमें बहुत चलना भी है। हाँ मतलब मैं काफ़ी टाइम पहले गई थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन काफ़ी टाइम पहले गई थी लेकिन मेरे को ध्यान नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि हाँ पैदल तो चलना था, और निशु ने भी बताया कि बहुत पैदल चलना है, तो अभी साड़ी तो पहन ली शौक में। लेकिन अब है पहला टास्क तो यही था कि स्कूटी में कैसे बैठूंगी पीछे से, और अब ना यहाँ पे ही मैंने स्कूटी फर्स्ट टाइम सीखी थी, और यहाँ पे एक शॉप भी खुल गई है शायद बड़ी सी, आपको घर को आते टाइम दिखाऊंगी, ये है मेरा। तो अभी हम एक जगह पे रुके हैं, जगह का नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ से ना व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ, तो चलो दिखाती हूँ। अभी देखो सामने कितना खूबसूरत सा व्यू है हमारे, तो मैंने सोचा यहाँ पे रुक जाते हैं। तो मन को दिखना, तो अभी देखो मस्त खूबसूरत से व्यू के साथ निकलते हैं हम लोग भी। हमें भी तो दिखा दो, हमने तो हम लोग गुनाह किया है। हट।
तो हम लोग ना अभी यहाँ पे रुके हैं और साड़ी में ना सच में यार और टाइम क्या होता था ना, मेरा मन करता था कि मैं स्कूटी चलाऊं लेकिन ये मुझे चलानी नहीं देती थी। लेकिन आज क्या है कि मैं पीछे नहीं बैठ सकती ना क्योंकि बहुत ज़्यादा सिल्की है, फिसल रही है और मैं एक ही साइड को होके बैठूंगी तो निशु संभाल नहीं पाएगी। अभी हमने ट्राई करा एक जगह पे पर मेरे को बहुत डर लग रहा था, इसको भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, पर ये बताएगी नहीं मुझे पता है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही चला लेती हूँ पूरे रास्ते। ये ना लमगड़ा वाली रोड में है और अभी हम लोग लमगड़ा वाली रोड से ही निकल रहे हैं बानेर देवी मंदिर के लिए, तो चलो चलते हैं। और अब मैं रुकूंगी सीधे वहाँ पे जहाँ पे व्यू गेट होगा या तो हाँ मंदिर के गेट यहाँ पे तो रुकेंगे, लेकिन अगर व्यू कहीं पे बहुत अच्छा होगा तो वहाँ पे भी मैं रुकूंगी और आपको दिखाऊंगी व्यू। फिलहाल अभी चलते हैं, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। 12:30 निकले थे हम लोग घर से, देखते हैं कितने बजे निकल। इतना बोर कर दिया ना पीछे से मुझे, ले पकड़ हाँ। ये बैक कैमरा वीडियो काटने के बाद होता है, ठीक है पहले नहीं होगा नहीं। अरे अरे मेरा ही खुल गया, बहुत बोरिंग हो रही है रास्ते में, तो हम लोग ना गाने गाते हुए जा रहे हैं, तो हम लोग तो एंजॉय कर ही रहे हैं गाने गाते हुए और आप लोग भी सुनो और एंजॉय करो हमें हमारे सुरों को चलो आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है हम तो पागल हो जाए लगता है ओ तेरे प्यार में तेरे इंतजार में मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू लगाऊं अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं या मर के बिछाऊं कदम तुम जहां जहां रखो जमी को जय आसमां बनाओ सितारों से सजाओ अगर तुम कहो। एकदम है खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया है किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मारो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे काली बेकारो बेकार जावे बेकार।
से रामगढ़ा है 12 किलोमीटर, जलना है 7 किलोमीटर, सैर फाटक 27 और यहाँ पे ना देखो मौसम कितना खतरनाक हो रहा है दोनों साइड से, इतने खतरनाक। और ये मैडम यहाँ मेकअप पे उतरी है, बिना बनियान के उतरी है। मतलब बोल तो अभी ना हम लोग बस पहुँचने वाले हैं, एक गेट पीछे भी था लेकिन वहाँ से कुछ कह रहे कि लॉन्ग है रास्ता, इसलिए हम लोग आगे आ रहे हैं। उसमें जा रहे हैं और दोनों साइड से क्योंकि इतने जंगल है और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, और जल्दीबाजी के चक्कर में मैं स्वेटर लेके आना भी भूल चुकी हूँ, और अब मुझे इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, बहुत ज़्यादा जंगल है। ये तो स्वेटर रख के लेके आई है, मुझे लगा मम्मी ने मेरा भी इसको दे दिया। अभी एक गेट तो पीछे है ना, याले गेट से हम लोग जा रहे हैं अभी ऊपर को, और एकदम एक खड़ी चढ़ाई है। देखो गेट से ऊपर को आ गए हैं, ये तो देखो स्वेटर लेके आई है, मेरा स्वेटर मुझे लगा कि मम्मी ने रख दिया होगा करके। हाँ, मुझे संभालेगी कब तक, मुझे लगा मम्मी ने ना दे दिया होगा इसको संभाल के, खुद से रखा अपने पास, बट इसने मम्मी ने दिया था इसको, इसने ये लेके नहीं लेके आई है मेरा। मारूंगी आप मम्मी ने दिया। अभी चलते हैं चढ़ाई, ये देखो ये तो बोलती बहुत ही ज्यादा चलना पड़ता है करके, पर इतना भी नहीं चलना पड़ता यार, हम पहुंच गए। हाँ मैं आपको दिखाती हूँ, चलो जी पहुंच गए हैं, सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ और बड़े शांति के साथ इस यज्ञ को संपन्न कराया, उनका साथ दिया। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है आज, तो अभी ना हम लोग पहुंच गए हैं बानी देवी मंदिर में और दर्शन भी हमने कर लिया। अब मैं आपको ना सारे मंदिर दिखा देती हूँ। तो अभी मंदिर के दर्शन तो हमने कर लिए हैं और यहाँ ना आज जातुरा आ रही है। देखो ये देखो, तो आज ना यहाँ जातुरा आ रही है अभी। जातुरा आई है, पूजा आई है।
और मस्त वीडियो वगैरह भी बना लिया हमने, फोटो वगैरह भी खींच लिए। इसका तो कभी भी मन नहीं भरता फोटो खींचने से, तो चलो चलते हैं, बढ़िया से दर्शन हो गए। चलो अभी आ गए हम लोग घर पे और अभी 4:30 हो रहा है, चेंज भी हमने कर लिया है और फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद ना फिर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया रास्ते में, क्योंकि एक तो मैं स्वेटर नहीं पहन गई थी, काफ़ी ठंड हो रही थी। तो मस्त बढ़िया से बैनर देवी मंदिर के दर्शन भी हो गए और आपको भी मैंने अपने साथ साथ वहाँ के दर्शन भी करा दिए, प्लस वहाँ पे एक पूजा भी आई थी तो वो पूजा भी हमने देखी, काफ़ी अच्छा लगा। तो होप करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।